सेक्सुअल एक्टिव अगर हो चुके हो तो ये 6 बातें जरूर जान लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, सेक्स जो है सभी की जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो आप इस बात से जरूर अग्री करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो सेक्सुअली एक्टिव कपल को, या फिर ये कहें कि लड़की और लड़के दोनों को, ना सिर्फ पता होनी चाहिए बल्कि उन्हें फॉलो भी जरूर करना चाहिए, ताकि आप जो है अपने वो खास पल इंजॉय करें साथ के साथ, बाद में अच्छा महसूस भी करें। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ आपकी गुड लाइफ काउंसलर उज्ज्वला, और आज आपको बताऊंगी उन 6 ऐसी खास पॉइंट्स के बारे में, ऐसी बातों के बारे में जो जरूरी है जानना अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्डम, मेन चीज। आपकी नजदीकी स्टोर में, फार्मेसी स्टोर में कॉन्डम खरीदना आपके लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग हो सकता है, क्योंकि वहां पे लोग आपको जानते हैं और अक्सर आपको घूरने लगते हैं। इसके लिए आपके लिए बेस्ट जगह है सुपरमार्केट या फिर चेन आउटलेट, क्योंकि वहां पर रिटेलर और दूसरे कस्टमर आप पर इतना ध्यान नहीं देते, और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप अपने सेक्स सेशन के बीच में हो और आपके पास प्रोटेक्शन ना हो, या फिर चाहे आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो या फिर अपने फ्लिंग के साथ हो। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि पैकेट पर एक्सपायरी डेट हमेशा चेक जरूर करें और अपने पास स्टॉक हमेशा फ्रेश ही रखें। दूसरा, कभी डॉक्टर खुद नहीं बनना है अगर पिल लेने की नौबत आ चुकी है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने से पहले डिसीजन बहुत ही सोच समझकर आपको लेना है, किसी गायना की आप हेल्प ले सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है बॉडी के नेचुरल हार्मोन बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं, और कई फीमेल जो है उन्हें इससे साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसलिए डॉक्टर से जरूर मिलें और बेझिझक होकर अपनी साफ और सही सेक्सुअल हिस्ट्री उनके साथ शेयर करें। सेक्सुअल एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी उन्हें बताएं। वैसे तो आप मॉर्निंग आफ्टर पिल्स हर जगह आपको मिल जाए, लेकिन तभी ले जब इमरजेंसी हो, साथ ही अगर कॉन्डम ब्रेक हो जाए। लेकिन याद रखिए, डॉक्टर द्वारा आपको जो है बर्थ कंट्रोल पिल की सही जानकारी उनसे सलाह लेने के बाद ही लेनी चाहिए। तीसरी चीज, लुब्रिकेंट या फिर नॉन लेटेक्स कॉन्डम भी ट्राई आप कर सकते हैं। अधिकतर जो लोग होते हैं वो इंटरकोर्स के दौरान कभी ना कभी फिजिकल डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के मिजाज बदलते रहते हैं, और कभी कभी ये आपकी लिबेडो यानी कि सेक्सुअल डिजायर के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। इसके कारण जो है आप अनकंफर्टेबल होकर सेक्स करें, ये गलत है। अपने उन लम्हों के लिए आप जो है बढ़िया क्वालिटी का वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट यूज जरूर करें। जिन फीमेल को लेटेक्स से एलर्जी है उनके लिए आप जो है दूसरे कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं, जो उनके लिए बढ़िया एक ऑप्शन हो सकता है। अब जानते हैं चौथा, अपने टेस्ट भी जो है रेगुलर जरूर कराएं। देखिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए कुछ महीनों के गैप में अपने आप के टेस्ट जरूर करा कर रखें। खासकर आप जो है अगर ज्यादा पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है, यानी कि मल्टीपल पार्टनर के साथ है, एक दूसरे की सेक्सुअल हिस्ट्री एकदम सही से ना पता होने के कारण आपको जो है दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में आप जो है अपने आप को सेफ रखें और अपने आप को सेफ रखने की प्रायोरिटी पर ध्यान जरूर दें। साथ ही अधिकतर रेपुटेटेड पाथ लैब्स भी जो है स्टैंडर्ड एसटीडी पैनल्स हैं, जहां पर आप जो है अपने गोपनीय तरीके से टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी जो हो जाती है और आप नहीं दूसरों को बताना चाहते, तो आप जो है इन लैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको जो है पता होगा कि आप जो है बीमारी से फ्री है या फिर कोई बीमारी आपके साथ आ चुकी है। अगला पॉइंट, जानकारी लेने से कभी नहीं झिझकना है। सेक्स के समय बेहतर होता है कि आप अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इसके बारे में पढ़ने और एक्सपेरिमेंट करने से हिचक ना रखें, लेकिन ध्यान जरूर देना है। आपके रेफरेंस के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स भी हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। साथ के साथ अपने पार्टनर से इस बारे में जरूर खुल के आपको बात जरूर करनी है। एक्सरसाइज भी आप ट्राई कर सकते हैं, योग आप कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कोई सवाल है तो हमारे शेयर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अभी गुड लाइफ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।